गुड मॉर्निंग एवरी वन. टूडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट टाइप टू ऑफ कोडिंग डिकोडिंग. आपने देखा पहला टाइप मैंने अपलोड ऑलरेडी कर चुका है ना. उसमें आपको प्लस से रिलेटेड सारे क्वेश्चन थे, तो टाइप टू में भी सेम क्वेश्चन आपको मिलेंगे सेम उसी पैटर्न पे. बस डिफरेंस ये है टाइप वन और टू में कि वो प्लस से रिलेटेड क्वेश्चन था और ये आपका माइनस से रिलेटेड क्वेश्चन है. उसमें जहाँ पे मैं प्लस कर रहा था उसमें सेम पैटर्न पे यहाँ पे मैं माइनस करूँगा. ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से. ठीक है, चूंकि आपको सारा बेसिक्स तो पता ही है ऑलरेडी, और अगर आपको पता नहीं हो तो प्रीवियस वीडियो कोडिंग डिकोडिंग का आप देख सकते हैं. ठीक है, ट्रिक वाला और टाइप वन वाला. ये टाइप टू का क्वेश्चन है, तो टाइप टू का क्वेश्चन मैं डायरेक्टली स्टार्ट करता हूँ. ये पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा है यहाँ पे. इसमें क्या है क्वेश्चन कि टेक्सटाइल को लिखा गया है RCBRGC, तो नाइलॉन को क्या लिखेंगे. चलिए देखते हैं, कोडिंग करते हैं. सबसे पहले टी हो गया 20 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एक्स 24, टी 20, आई 9, एल 12 और ई 5. इसको कोडिंग करें तो ये 18, 3, 22, 18, 7, 10 और 3. अब आप कंपेयर कीजिए. देखिए यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 18 है, तो 20 से 18 मतलब डिफरेंस कितने का है, माइनस 2 का. वहाँ पे प्लस हो रहा था, इस टाइप में माइनस होगा. ठीक है, आगे टाइप 3 में प्लस माइनस मिक्स होगा. टाइप फोर आपका अपोजिट टाइप पे बेस्ड होगा, तो हर टाइप का क्वेश्चन आपका अलग अलग है. तो ये माइनस पे बेस्ड क्वेश्चन है. ठीक है, बेस्ड ऑन माइनस आप इसको मार्क कर सकते हैं, बेस्ड ऑन माइनस नेगेटिव पे बेस्ड है. 5 से 3 माइनस 2, 24 से 22 माइनस 2, 20 से 18 माइनस 2, 9 से 7 माइनस 2, 12 से 10 माइनस 2, 5 से 3 माइनस 2. देख रहे हैं सारा माइनस 2 से रिलेटेड है. तो सेम काम आप नीचे भी रिपीट कीजिए. जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि नाइलॉन को RCBRGC लिखा जा रहा है, सॉरी टेक्सटाइल को RCBRGC लिखा जा रहा है, तो नाइलॉन को क्या लिखेंगे. हम इसको सबसे पहले कोड कर लेते हैं. ये 14 नंबर पे, ये 25 12 15 और 14. तो 14 माइनस 2 क्या हो गया, 12. और 12 नंबर पे क्या आता है, L. 25 माइनस 2, 23. 23 नंबर पे क्या आता है, W. 12 माइनस 2, 10. 10 नंबर पे J. 15 माइनस 2 हो गया आपका 13. और 13 नंबर पे क्या आता है, M. 14 माइनस 2, 12 नंबर पे L. तो L W J M L हो जाएगा इसका राइट आंसर. क्लियर है, कोई डाउट है इसमें, नहीं. नाइलॉन, तो नाइलॉन का कोड हो गया LWJML. देख रहे हैं सारा माइनस से रिलेटेड था, उसमें आपको प्लस से रिलेटेड पूछा गया था क्वेश्चन, ये माइनस से रिलेटेड है. चलिए तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है, बिल्कुल बेसिक था जिससे आपको समझ में आ जाए ये माइनस पे बेस्ड क्वेश्चन है. और जैसा कि हमने यहाँ पे पैटर्न देखा, माइनस टू से रिलेटेड सारा क्वेश्चन था. ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि LOGIC लॉजिक को BHFNK लिखा जा रहा है, तो बताइए कलर को क्या लिखा जाएगा. क्लियर है, तो चलिए कोडिंग कर लेते हैं. L हो गया 12 नंबर पे, O 15, G 7, I 9 और C 3. B हो गया आपका 11, ये 2 नंबर पे, 8 नंबर पे H, 6 नंबर पे F, N 14 नंबर पे, K 11 नंबर पे. अब आप यहाँ पे कंपेयर कीजिए. देखिए ये 12 लास्ट में आपका 11, कोई जरूरी नहीं है कि हर लेटर दोनों साइड के फर्स्ट लेटर से रिलेटेड हो. ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट लास्ट से रिलेटेड हो, या क्रॉस पैटर्न भी हो सकता है, जैसा कि टाइप वन में मैंने बहुत सारा क्वेश्चन आपको बताया. तो ये 12 से 11 मतलब हो गया कितना, -1. 15 से 14 -1. 7 से 6 -1. 9 से 8 -1. 3 से 2 -1. क्लियर है, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं सारा -1 -1 -1 से रिलेटेड है ना. तो आगे देखिए आप कलर का कोड क्या होगा, तो कलर को भी कोडिंग कर लेते हैं हम. ये 3 12 5 18 और 11, तो 3 माइनस 1 हो गया कितना, 2. अब 2 को कहाँ पे लिखेंगे, तो उस तरफ लास्ट में, है ना. इस और कहाँ पे लिखेंगे, लास्ट में. तो देखिए 3 माइनस 1 हो गया 2. 2 का मतलब बी. बी को हम फर्स्ट में नहीं बल्कि लास्ट में लिखेंगे, चूंकि हमने क्वेश्चन में कंपेयर कहाँ से किया था, फर्स्ट लेटर को लास्ट से कंपेयर किया था. वैसे ही आगे 12 माइनस 11 हो गया, 12 माइनस 1 हो गया 11. 11 का मतलब K, सेकेंड लास्ट में. 5 माइनस 1 4 का मतलब D. 18 माइनस 1 17 का मतलब Q. 11 माइनस 1 10 का मतलब J. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा JQDKB. क्लियर है, तो इसको आप नोट कर लीजिए. समझ में आ गया पैटर्न इसका, फर्स्ट और का लेटर सेकेंड
के लास्ट से रिलेटेड था, है ना। तो वैसे ही आगे सीरीज चला और ये -1 का सीरीज चल रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने यहाँ पे कि यूनिक, UNIQUE, यूनिक को। अच्छा एक और बात ध्यान देने लायक है इसमें कि आप सारा क्वेश्चन देख रहे हैं, कोडिंग डिकोडिंग, एक और आपको मीनिंगफुल वर्ड दिया हुआ है, दूसरा और मीनिंगलेस वर्ड है ना, इस बात का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपको आगे मैं टाइप में बताऊंगा, क्लियर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है आपका कि यूनिक को SJCIS से लिखा जा रहा है, तो मॉडर्न को क्या लिखेंगे, ठीक है। जल्दी से इसको कोडिंग कर लेते हैं। यू हो गया आपका 21 नंबर पे, N14, I9, Q17, U21 और E हो गया आपका 5 नंबर पे। अब देखिए इधर कंपेयर करते हैं तो ये 19, J हो गया आपका 10 नंबर पे, C हो गया 3 नंबर पे, I हो गया 9 नंबर पे, S हो गया 19 नंबर पे और A हो गया 1 नंबर पे। अब देखिए 21 से 19 कितने का डिफरेंस है, तो -2। 14 से 10 कितने का डिफरेंस है, -4। 9 से 3 कितने का डिफरेंस है, -6। 17 से 9 कितने का डिफरेंस है, -8। 21 से 19 कितने का डिफरेंस है, एक मिनट, हाँ 21 से ये 19 कितने का डिफरेंस है, तो -2। 5 से 1 कितने का डिफरेंस है, -4। तो क्या ये एक पैटर्न है, देखिए पैटर्न दिख रहा है यहाँ पे, -4 है, -2, -4, -6, -8, -2, -4 आगे कंटिन्यू है ना। तो इसी पैटर्न पे आपको आगे भी अरेंज करना है। चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं मॉडर्न को। तो सबसे पहले मॉडर्न को आप कोडिंग कर लीजिए। एम हो गया 13 नंबर पे, ओ 15 नंबर पे, D4, E5, R18, N14। सबसे पहले -2, तो 13 -2 हो गया आपका 11, 11 नंबर पे आता है K। 15 -4 हो गया 11, 11 नंबर पे आएगा K। 4 -6, अब देखिए आप यहाँ कंफ्यूज हैं कि 4 में हम कैसे 6 घटाएं, है ना। तो जब भी घटाने वाला नंबर बड़ा हो जाए ना, तो 26 ऐड करके आप घटाइए, मतलब 4 को, डी को हम 4 के अलावे और क्या बोल सकते हैं, 26+4 मतलब 30 बोल सकते हैं, याद है ना। 26 नंबर पे जेड, तो 27 नंबर पे ए, 28 नंबर पे बी, 29 नंबर पे सी, 30 नंबर पे डी। अब 30 - 6 करेंगे तो हो जाएगा 24, और 24 नंबर पे क्या आता है, एक्स, ठीक है। तो डी के बदले यहाँ एक्स लिख सकते हैं। फिर यहाँ देखिए -8, तो फिर से 5 में से 8 नहीं घटा सकते हैं, तो 5 को 26, 5 31, और 31 में से 8 घटाएंगे तो हो जाएगा 23, और 23 नंबर पे क्या आएगा, W, है ना। फिर 18 में से 2 घटेगा, तो 18 - 2 हो जाएगा 16 का मतलब P, 14 में 4 घटेगा 10 का मतलब J। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा KKXWPJ। सीरीज आपके सामने है, ये आपका इसका पैटर्न था, -2, -4, -6, -8, फिर से -2 और फिर -4, क्लियर है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन की ओर, क्लियर है, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में बोला जा रहा है कि वर्बल को SBNXVG लिख रहे हैं, तो फिगर को क्या लिखेंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है आपको, आपके सामने दिख रहा है आप लोगों को, वर्बल को SBNXVG लिख रहे हैं तो फिगर को क्या लिखेंगे। चलिए इसको कोडिंग करते हैं फिर से। ये भी हो गया 22 नंबर पे, ई हो गया 5 नंबर पे, R18, B2, A1, L12, ये 19, 2, 14, 24, 22 और ये 7। अब आप कंपेयर कीजिए फिर से, 22 से 19 मतलब -3, 5 से 2 मतलब -3, 18 से 14 मतलब -4, 2 से 24, तो 2 को अब हम देखिए क्या बोल सकते हैं, 2 को, तो 26 नंबर पे जाए, 27 A B मतलब 28, 28 से 24 -4। फिर 1 से 27, 1 को, सॉरी 1 से 22, है ना। देखिए 2 से ये 24 हो गया और 1 से 22, तो 1 को हम 27 बोल सकते हैं, और 27 से 22 मतलब -5। फिर 12 से 7 -5,
तो ये चल रहा है पैटर्न, -3 -3 -4 -4 -5 -5, ठीक है। तो आगे वैसे ही अरेंज करते हैं, ये 6 नंबर, 9 नंबर, 7 नंबर, 21 नंबर, 18 नंबर, 5 नंबर। तो 6 -3, 3 का मतलब C, 9 -3, 6 का मतलब F, 7 -4, 7 -4 हो जाएगा आपका 3, 3 का मतलब C, और फिर 21 -4, 21 -4 हो जाएगा 17, 17 का मतलब Q, 18 -5, 23, 18 -5 13, 13 का मतलब M, और 5 -5, 0, 0 का मतलब Z। तो सी एफ सी क्यू एम जेड इज द राइट आंसर, ठीक है, ये आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो क्लियर है, पैटर्न समझ में आ गया, -3 -3 -4 -4 -5 -5, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है एडमिट। एडमिट को लिखा गया है एस जी जे जेड भी, तो आपसे पूछा गया है कार्ड को आप क्या लिखिएगा, चलिए देखते हैं। तो एडमिट को फिर से हम यहां पे कोडिंग कर लेते हैं, ठीक है, ये 1 4 13 9 20, ये हो जाएगा 19 7 10 26 22। अब इसको आप कंपेयर कीजिए, देखिए इसमें हमको पीछे से रिलेशन दिख रहा है, जैसे समझिएगा यहाँ पे ये 27 है, मान लीजिए एक को हम 27 भी बोल सकते हैं, 27 to 25 2, मतलब -5। अब 4 to 26, तो 4 को हम क्या बोल सकते हैं 30, 30 to 26 -4, 13 से 10 -3, 9 से 7 -2, 20 से 19 -1। देखिए यहाँ कन्फ्यूज मत होइएगा कि एक को हम 1 तो बोलते हैं, साथ में 27 भी बोल सकते हैं, समझ में आ रहा है ना, जेड 26 नंबर पे, तो 27 नंबर पे, और 27 से ये लास्ट में देखिए 22 है ना, फर्स्ट को लास्ट से कंपेयर कर रहे हैं, तो 27 से 22 मतलब 5 का अंतर हुआ। डी को हम 4 बोलते हैं, तो 4 को हम 30 भी बोल सकते हैं, और 30 से 26 4 का अंतर हुआ, ठीक है। 13 से 10 3 का अंतर हुआ, 9 से 7 2 का अंतर हुआ, और 20 से 19 1 का अंतर हुआ। तो फर्स्ट लेटर को लास्ट से कंपेयर कर रहे हैं, वैसे ही यहाँ पे भी काम करेंगे, ये 3 नंबर, ये 1 नंबर, ये 18 नंबर, और ये 4 नंबर। अब देखिए 3 में से कितना घट जाएगा, इधर लास्ट में लिखने के लिए 5 घटाएंगे, तो 3 में 5 घटाना पॉसिबल है नहीं, तो 3 को हम बोल सकते हैं 29, और 29 में से 4 5 जाएगा, तो बचेगा कितना 24, 24 का मतलब हो जाएगा X। अब 1 में हमको 4 माइनस करना है, तो 1 में 4 माइनस करना पॉसिबल है नहीं, 1 को बोलेंगे 27, 27 माइनस 4 23, 23 का मतलब हो जाएगा W। 18 माइनस 3, एक मिनट देखिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, जैसे ऊपर 5 लेटर आपका दिया हुआ है ना, तो इसमें नीचे 4 ही लेटर है, तो -4 की जगह -5 की जगह -4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए ये फिर से एक बार समझ लीजिएगा, सी का मतलब हो गया 29 है ना, और 29 -4 25 का मतलब हो जाएगा वाई, और ए का मतलब हो गया 27, 27 -3 हो जाएगा 24 का मतलब एक्स, आर का मतलब 18, 18 -2 हो जाएगा 16 का मतलब पी, 4 -1 हो जाएगा 3, 3 का मतलब C, तो CPXY इज द राइट आंसर, है ना। देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम एक्चुअली ये है कि ऊपर आपको 5 लेटर, एडमिट में 5 लेटर है, कार्ड में 4 ही लेटर है, तो वहाँ पे -5 से स्टार्ट कर रहे हैं और 1 तक जा रहे हैं, तो इसमें -4 से स्टार्ट करते हुए 1 तक जाएंगे, ठीक है, बस यही डिफरेंस है और कुछ भी नहीं, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका कि गेस्ट को SECQP बोल रहे हैं, तो हम घोस्ट को क्या बोलेंगे, है ना, घोस्ट को क्या लिखेंगे, चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। कोडिंग कर लेते हैं इसको भी, जी हो गया आपका 7 नंबर पे, यू 21 नंबर पे, ई 5 नंबर पे, एस 19 नंबर पे, और टी 20 नंबर पे, एस 19, ई 5, सी 3, क्यू 17, पी 16। अब आप कंपेयर कीजिए, कैसे कंपेयर कीजिएगा, देखिए इसमें तो मुझे क्रॉस पैटर्न दिख रहा है, समझिएगा यहाँ पे मैं साइड में लिखकर बता रहा हूँ, जैसे जी यू ई एस टी, गेस्ट को लिखा गया है SECQP, समझने का प्रयास कीजिएगा, ये 7 है, 21 है, 5 है, 19 है, और ये 20 है, ये 19 है, 5 है, 3 है, 17 है, और ये 16 है, तो 7 से 5 -2, 21 से 19 -2, दिख रहा है पैटर्न, ये देखिए 5 से 3 -2,
19 से 16 माइनस 3, 20 से 17 माइनस 3। देखिए यहाँ तक में क्या है कि माइनस टू माइनस टू माइनस टू चला, यहाँ माइनस थ्री, और ये रिलेशन समझिए क्रॉस में है, ठीक है ना, जो लाइन जिधर जा रहा है उस ओर। घोस्ट का भी मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ, GHOST, घोस्ट, ठीक है। तो देखिए ये पैटर्न ऐसे चलेगा, दो क्रॉस में गया था, एक सामने था फिर क्रॉस में गया था, ये तीनों माइनस टू था और ये प्लस टू वाला था, है ना। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे हो जाएगा आपका ये 7 नंबर पे जी, 8 नंबर पे एच, 15 नंबर पे ओ, 19 नंबर पे एस, 20 नंबर पे टी। तो 7 माइनस 2 5 का मतलब ई, 8 माइनस 2 6 का मतलब एफ, 15 माइनस 2 13 का मतलब एम। अब यहाँ पे देखिए माइनस थ्री था, तो 19 माइनस 3 16 का मतलब पी, 20 माइनस 3 17 का मतलब क्यू। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका एफ ई एम क्यू पी, एफ ई एम क्यू पी, है ना, एफ ई एम क्यू पी इज द राइट आंसर। कोई डाउट है इसमें? तो ये क्रॉस पैटर्न पे बेस्ड हो गया। देखिए तीन ही पैटर्न पे क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, या तो सारा क्वेश्चन आगे से रिलेटेड होता है, या तो फिर पहला लेटर लास्ट लेटर से रिलेटेड होता है, या तो फिर क्रॉस पैटर्न पे होता है। ये तीन ही पैटर्न है, इसके अलावा चाहे प्लस पे क्वेश्चन पूछे, माइनस पे पूछे, प्लस माइनस मिक्स करके पूछे, अपोजिट लेटर्स पे पूछे, ठीक है, इससे बाहर कुछ भी नहीं हो सकता है, क्लियर है। और मैं आपका एक एक करके सारा टाइप आपका क्लियर करने वाला हूँ इस चैप्टर में। चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपका LUC, लक को लिखा गया है HZQH, HZQH। तो आपसे पूछा गया है कि V को क्या लिखा जाएगा। चलिए देखते हैं, लक इसको कोडिंग कर ले हम, तो ये 12 नंबर पे, ये 21 नंबर पे, ये 3 नंबर पे, ये 11 नंबर पे। इसमें देखिए इजी कॉम्प्लिकेटेड सारा टाइप मैंने मिलाकर बताया, क्योंकि ये मुझे बनाना है इसलिए मैंने इसमें बहुत सारा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन डाला है। एग्जाम में आपको SSC के एग्जाम में बहुत टफ क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग से नहीं रहता है। अगर आप कोडिंग डिकोडिंग का बात करें तो बैंकिंग एग्जाम्स में आपको काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, बाकी जो SSC एग्जाम आपका रहता है उसमें आप नॉर्मल जो +2 +3 पे बढ़ रहा है या घट रहा है, जनरली उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। SSC और रेलवे का रीजनिंग बहुत ईजी रहता है कोडिंग डिकोडिंग का, है ना। बाकी बैंकिंग के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्रॉस पैटर्न से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें ज़्यादा पूछा जाता है, तो उस पर आपको ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा, क्लियर है। देखिए ये क्वेश्चन 12 21 3 11, 8 26 17 और 8। अब आप कंपेयर कीजिए, 12 से 8 -4, 21 से 26 ये तो प्लस हो जा रहा है, 3 से 17 कुछ और पैटर्न होगा, देखते हैं। ये तो कोडिंग सही था, कोडिंग फिर से कर लेते हैं एक बार। 12 21 3 11 ये हो गया 8 26 17 और 8। ये मेरे ख्याल से क्रॉस पैटर्न पर रिलेटेड है। देखिए यहाँ पे LUC लक, और ये है HZQH। तो ये हो गया 12 21 3 11, ये हो गया 8 26, और ये हो गया आपका 17, और ये हो गया 8, है ना। बारह से 8 -4, 11 से 8 -3, 21 से 17 -4, 3 से 26 -3। हाँ सिंपल है। देखिए फर्स्ट लेटर लास्ट से रिलेटेड हुआ -4 होके, लास्ट लेटर फर्स्ट से रिलेटेड हुआ -3 होके, फिर सेकेंड लेटर थर्ड से रिलेटेड हुआ -4 होके, फिर फोर्थ लेटर सेकेंड से रिलेटेड हुआ -3 से। तो पहला यहाँ पे देखिए 23 है, ये 5 है, ये 1 है, ये 11 है। 23 से -4 मतलब 19, 19 का मतलब लास्ट में एस, और ये 11 है तो ये -3 से जाएगा इधर, तो 11 में से 3 घटाइएगा तो 8 का मतलब एच। फिर ये देखिए 21 से हो गया था यहाँ पे आपका 17, है ना, मतलब गया था -4, तो यहाँ 5 -4 हो जाएगा, 1 का मतलब ए, और ये 1 -3 हो जाएगा, 1 -3 हो जाएगा आपका, 1 को 27 बोल सकते हैं, 27 में से 3 घटाइएगा तो 24, 24 का मतलब हो जाएगा आपका एक्स। तो एक्स HXAS इज द राइट आंसर, क्लियर है। चलिए अब देखते हैं इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन है ये टाइप 2 का, और बाकी इस पे आप बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेनली मैंने ये 8 क्वेश्चन इस पे रखा है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं रहने वाला है, चाहे
आपका आगे से रिलेटेड हो, पीछे से रिलेटेड हो, या क्रॉस पैटर्न में हो, है ना। तो सारे तरह के क्वेश्चन मैंने इसमें रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन। इसमें क्या है, पॉकेट को जे जे वाई एच सी एस लिखा गया, तो जोकर को क्या लिखा जाएगा। कोडिंग कीजिए, ये 16 नंबर, 15 नंबर, 3 नंबर, 11 नंबर, 5 नंबर, 20 नंबर, ये हो गया आपका 10 नंबर, 10 नंबर, 25 नंबर, 8 नंबर, 3 नंबर और 19 नंबर। 16 से 10 माइनस 6, 15 से 10 माइनस 5, 3 से 25, तो 3 को हम क्या बोल सकते हैं, 29, 29 से 25 माइनस 4, 11 से 8 माइनस 3, 5 से 3 माइनस 2, 20 से 19 माइनस 1। देख रहे रिलेशन, माइनस 6 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1। तो जोकर को भी सेम इसी पैटर्न पे रिलेट करते हैं, ये हो गया 10 नंबर पे, 15 नंबर पे, 3 नंबर पे, 11 नंबर पे, 5 नंबर पे, 18 नंबर पे। तो 10 माइनस 6 4 का मतलब हो जाएगा डी, 15 माइनस 5 10 का मतलब जे, 3 माइनस 4 तो 3 को हम क्या बोल सकते हैं, 29, 29 माइनस 4 25 का मतलब वाई, 11 माइनस 3 8 का मतलब एच, और 5 माइनस 2 3 का मतलब सी, और 18 माइनस 1 17 का मतलब क्यू। तो डी जे वाई एच सी क्यू इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो ये टाइप टू आपका यहाँ पे खत्म होता है, ये सारा क्वेश्चन मैंने आपको बताया। आप इस टाइप का क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, और जो भी डाउट हो इससे रिलेटेड आप कमेंट में बताइए, और प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, हमारे चैनल गुरु कॉमर्स गुरुजी को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मुझे मोटिवेशन मिलते रहे और मैं ऐसा वीडियो और आपके सामने लेकर आता रहूँ। ओके, थैंक यू।